Hi guys, this is Taukeer Alam here. Today we are going to learn how to use Pronto. Friends, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि ये Pronto क्या है और किस कंडीशन में हम इसका यूज करेंगे. तो चलिए फ्रेंड्स Pronto का यूज देखते हैं. फ्रेंड्स टू बी Pronto, समथिंग यूजुअली समथिंग बैड मीन्स टू हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू बी अफेक्टेड बाय इट आ डू इट. फ्रेंड्स जब हमें कहना हो कि कोई इंसान किसी चीज को लेकर या किसी बात को लेकर बहुत जल्दी तैस में आ जाता है या बहुत जल्दी उससे अफेक्टेड हो जाता है तो इस कंडीशन में हम Pronto का यूज करते हैं. जैसे सी इज प्रोन टू लाई, इसका मतलब है वह झूठ से बहुत जल्दी प्रोन टू हो जाती है. यानी जब कोई उसके सामने झूठ बोलता है तो वह बहुत जल्दी तैस में आ जाती है या झूठ बात से वह बहुत जल्दी अफेक्टेड हो जाती है. यानी फ्रेंड्स आप ऐसा कह सकते हैं कि उसके सामने कोई झूठ बात ना करना. क्यों? क्योंकि जब वो कोई झूठ बात सुनती है तो बहुत जल्दी प्रोन्टू हो जाती है यानी तैस में आ जाती है या उसे अफेक्टेड हो जाती है. माई टीचर इज प्रोन्टू ग्रीड, मेरे टीचर ग्रीड से यानी लालच से प्रोन्टू हैं. यानी कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि यहाँ प्रोन्टू से किसी इंसान की नेचुरल टेंडेंसी के बारे में बात हो रही है कि उस इंसान का नेचुरल टेंडेंसी है कि वह लालच से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है, लालच की तरफ बहुत जल्दी झुक जाता है या लालच से बहुत जल्दी अफेक्टेड हो जाता है. यानी अगर आप कह रहे हैं माई टीचर इज प्रोन टू ग्रीड तो इसका मतलब ये हुआ मेरे उस्ताद लालच से प्रोन्टू हो जाते हैं. यानी अगर तुम उनके सामने लालच की बात करोगे तो बहुत जल्दी इसकी तरफ झुक जाएंगे या उससे अफेक्टेड हो जाएंगे. दे आर प्रोन टू एंगर, वे लोग एंगर यानी गुस्सा से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं या वे लोग गुस्सा से बहुत जल्दी अफेक्टेड हो जाते हैं. यानी कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि जब उन लोगों के सामने गुस्सा वाली बात आती है तो बहुत जल्दी तैस में आ जाते हैं या उसकी तरफ झुक जाते हैं. या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वे लोग गुस्से की चपेट में आ जाते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है फ्रेंड्स माई वाइफ इज प्रोन टू डिप्रेशन, मतलब मेरी वाइफ के सामने कोई डिप्रेशन वाली बात ना करना, कोई टेंशन तनाव वाली बात ना करना. क्यों? क्योंकि जब उसके सामने कोई डिप्रेशन वाली बात होती है तो बहुत जल्दी प्रोन टू हो जाती है यानी वो बहुत जल्दी इसकी तरफ मुतासिर हो जाती है, अफेक्टेड हो जाती है या उसका झुकाव इसकी तरफ बहुत होता है. Pronto का मतलब किसी चीज की तरफ झुकाव होना या किसी बात को लेकर बहुत जल्दी तैस में आ जाना. ही इज प्रोन टू क्वारल, फ्रेंड्स यहाँ हम इस इंसान की नेचुरल टेंडेंसी के बारे में बात कर रहे हैं कि इस इंसान के अंदर एक कुदरती मिजाज है. क्या मिजाज है? कि जब बात झगड़े की होती है तो वह बहुत जल्दी इससे अफेक्टेड हो जाता है यानी झगड़े वाली बात से वह बहुत जल्दी उसकी तरफ झुक जाता है या वह बहुत जल्दी इस बात से तैस में आ जाता है. या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं यानी कोई आपसे कह रहा है कि उसके सामने कोई झगड़े वाली बात न करना क्योंकि झगड़े वाली बात से वह प्रोन्टू है. यानी अगर तुम झगड़े की बात करोगे तो वह प्रोन्टू हो जाएगा यानी इस बात को लेकर वह बहुत जल्दी तैस में आ जाता है. छोटा में इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं Pronto का यूज तब करते हैं जब हमको कहना हो कोई इंसान किसी बात को लेकर बहुत जल्दी अफेक्टेड हो जाता है या उससे प्रभावित हो जाता है, उससे मुतासिर हो जाता है या उसकी तरफ झुक जाता है. यानी अगर आप वह बात करेंगे जिससे वह Pronto है तो चांसेस है कि वह इसकी तरफ झुक जाए या इससे अफेक्टेड हो जाए यानी इस बात को लेकर तैस में आ जाए. आइए फ्रेंड्स कुछ और एग्जांपल देखते हैं. मैंने यहां पर दो एग्जांपल लिखा हुआ है ताकि आप बात को शानदार तरीके से समझ सकें. फैट पीपल आर मोर प्रोन टू हार्ट डिजीज, आमतौर पर मोटे लोग दिल की बीमारी से प्रोन टू होते हैं. यानी आमतौर पर मोटे लोगों के अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होता है कि वे लोग दिल की बीमारी से प्रोन होते हैं यानी दिल की बीमारी से प्रभावित हो जाते हैं और ये बात उनके मर्जी के खिलाफ होती है यानी वो इस बात से एग्रीएबल नहीं होते हैं. यानी अब बात ऐसे समझ सकते हैं कि कौन चाहेगा कि उसे दिल की बीमारी हो, लेकिन आमतौर पर जो लोग मोटे होते हैं वो दिल की बीमारी से प्रोन टू होते हैं
यानी दिल के बीमारी से प्रभावित हो जाते हैं। पीपल विद फेयर स्किन हु सनबर्न इजली आर वेरी प्रोन टू स्किन कैंसर। जो लोग फेयर स्किन के होते हैं, जिन्हें सनबर्न आसानी से हो जाता है, ऐसे लोग स्किन कैंसर से प्रोन टू होते हैं। यानी इस तरीके के लोग नेचुरली स्किन कैंसर से अफेक्टेड होते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको यह बात समझ में आई होगी कि हम प्रोन टू का यूज तब करते हैं जब हमको कहना हो कि टू बी प्रोन टू समथिंग यूजुअली समथिंग बैड। प्रोन टू होना मतलब आमतौर पर कुछ गलत होना, मीन्स टू हैव अ नेचुरल टेंडेंसी, यानी एक ऐसी नेचुरल टेंडेंसी टू बी अफेक्टेड बाय इट, जिससे कोई इंसान अफेक्टेड हो जाता है यानी उससे प्रभावित हो जाता है, जो उसके लिए नागवार होता है यानी उसके मर्जी के खिलाफ होता है। फ्रेंड्स अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके डाउट पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। फिर मिलते हैं एक नए लेसन के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। फ्रेंड्स मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपका नाम है कुशल रभा। आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि वर्ड सर्च, लुक फॉर, सीक और फाइंड का क्या यूज है, जबकि इन चारों का मतलब तलाश करना या ढूंढना होता है। तो आइए फ्रेंड्स देखें क्या इन चारों वर्ड्स में कोई फर्क है, अगर है तो आप इनका कैसे यूज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स इसके पहले कि मैं लेसन शुरू करूं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आप क्वेश्चन पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स इन सर्च देयर इज अ आइडिया दैट यू एग्जामिन अ प्लेस केयरफुली इन ऑर्डर टू फाइंड समथिंग और समवन। ऑल्सो इज यूज फॉर लुकिंग फॉर लॉस्ट थिंग। फ्रेंड्स ढूंढने के लिए वर्ड सर्च का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी जगह को बहुत केयरफुली एग्जामिन करें, यानी तलाश करें किसी चीज को पाने की उम्मीद में, तो इस कंडीशन में हम सर्च का यूज करते हैं। लगता है आप बात समझे नहीं। फ्रेंड्स इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, वर्ड सर्च का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी ऐसे प्रोडक्ट को ढूंढ रहे हों या किसी ऐसे इंसान की तलाश कर रहे हों जिसे हम पहले से जानते हैं, या मैं ये कह लूं कि वर्ड सर्च का यूज भूली हुई वस्तु या इंसान के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड्स, सी इज सर्चिंग हर मोबाइल इन हर रूम। अब फ्रेंड्स मैंने यह यूज किया सर्च क्यों, क्योंकि वह एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रही है जिसे वो पहले से जानती है, या उसका मोबाइल खो चुका है और वह अपने मोबाइल की तलाश कर रही है। तो फ्रेंड्स हम वर्ड सर्च का यूज तब करते हैं जब हम ऐसी नाउन की तलाश करें जिसे हम पहले से जानते हो। आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्ड सर्च का यूज हम अपनी ही भूली हुई सामान की तलाश के लिए करते हैं। आई एम सर्चिंग द की ऑफ माई बाइक। अब फ्रेंड्स यहां मैंने वर्ड सर्च का यूज किया क्यों, क्योंकि मेरी बाइक की भूल चुकी है या इधर उधर गुम है, जिसे मैं पहले से जानता हूं और मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। इसी तरीके से फ्रेंड्स आप कह सकते हैं दे आर सर्चिंग देयर कार। यहां आप वर्ड सर्च का यूज करेंगे क्योंकि वे लोग अपनी ही भूली हुई प्रोडक्ट की तलाश में हैं, यानी वो एक ऐसे प्रोडक्ट की तलाश में हैं जिसे वो पहले से जानते हैं। फ्रेंड्स अगर कहना हो कि मैं अपने भाई को ढूंढ रहा हूं तो आप कहेंगे आई एम सर्चिंग माई ब्रदर। आप यहां ढूंढने के लिए वर्ड सर्च का यूज करेंगे क्यों, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान की तलाश कर रहे हैं जिसे आप पहले से जानते हैं। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको यह कंसेप्ट समझ में आया कि उस तरीके के नाउन जिसे आप पहले से जानते हैं कि तलाश के लिए आप वर्ड सर्च का यूज करेंगे। आइए फ्रेंड्स यहां एक खास बात आपको बता दें कि ढूंढने के लिए लुक फॉर का भी यूज किया जाता है। तो फिर आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आएगा कि लुक फॉर का यूज क्या है, तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स सर्च और लुक फॉर दोनों इंटरचेंजेबल हैं, यानी जहां आप सर्च का यूज करते हैं वहीं पर लुक फॉर का यूज किया जाता है। आइए फ्रेंड्स देखें कि सीक का क्या यूज है।
friends. In Sikh, there is idea, something not material or physical object. Friends, word Sikh ka use, ढूंढने या तलाश करने के लिए तब किया जाता है जब हम किसी ऐसे प्रोडक्ट की तलाश कर रहे हैं जो मटेरियल नहीं है, यानी जो फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि हम वर्ड सिक का यूज तब करते हैं जब हम किसी ऐसी सामान की तलाश कर रहे हों जिसे हम छू नहीं सकते हैं। जैसे आई एम सीकिंग समवन्स हेल्प, मैं किसी की मदद की तलाश कर रहा हूँ। अब यहाँ फ्रेंड्स, मैंने कहा कि मैं किसी मदद की तलाश कर रहा हूँ। मदद यानी हेल्प एक ऐसा थिंग है जिसे टच नहीं किया जा सकता या छुआ नहीं जा सकता। शी इज सीकिंग अ गुड जॉब, वह एक अच्छे जॉब की तलाश में है या वो एक अच्छा जॉब ढूंढ रही है। यहाँ वर्ड सीक का यूज हुआ, क्यों? क्योंकि जॉब कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है या कोई मटेरियल नहीं है जिसे आप टच कर सकें। ही इज सीकिंग द पीस ऑफ लाइफ, वह लाइफ में सुकून ढूंढ रहा है। फ्रेंड्स, अब यहाँ हम सीक के जगह पर सर्च का यूज नहीं कर सकते, हम यहाँ सीक का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वह कोई ऐसा थिंग ढूंढ रहा है जिसे वह टच नहीं कर सकता है, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है या जो मटेरियल नहीं है। They are seeking a legal advice. वे लोग एक कानूनी सलाह ढूंढ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एडवाइज यानी सलाह को टच नहीं किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि ढूंढने या तलाश करने के लिए वर्ड सीक का यूज आप तब करेंगे जब आप किसी ऐसी चीज को ढूंढ रहे हैं जिसे आप टच नहीं कर सकते, जिसे आप छू नहीं सकते, यानी जो मटेरियल या फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। आइए फ्रेंड्स देखें कि फाइंड का यूज कब किया जाता है। फ्रेंड्स, वर्ड फाइंड का यूज तलाश करना या ढूंढने के लिए तब किया जाता है जब हम ये कहना चाहें कि हमने कुछ नया डिस्कवर किया या हमने कुछ नया ढूंढ निकाला, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई ऐसी चीज जो आपको पता नहीं है और आपने उसको ढूंढ निकाला या आपने उसकी तलाश की। तो इस तरीके के ढूंढने या तलाश करने के लिए हम वर्ड फाइंड का यूज करते हैं। जैसे आई फाउंड अ लवली होटल इन माई सिटी। सबसे पहले मैं कहूंगा कि फाउंड, फाइंड का गुजरा हुआ फॉर्म है यानी सेकेंड फॉर्म है। आई फाउंड अ लवली होटल इन माई सिटी, मैंने अपने शहर में एक अच्छा होटल तलाश किया या एक अच्छा होटल ढूंढा। अब फ्रेंड्स, यहाँ वर्ड फाइंड का मतलब ये है कि एक अच्छा होटल जो मेरे शहर में था, मुझे पता नहीं था, मैंने इसको ढूंढ निकाला, मैंने इसको डिस्कवर किया यानी मैंने इसकी खोज की। फाइनली शी फाउंड अ गुड कैफे इन द सिटी, आखिरकार वह अपने कस्बे में एक अच्छा कैफे तलाश की। तो फ्रेंड्स, यहाँ वर्ड फाउंड का ये सेंस है कि उसके शहर में एक अच्छा कैफे था, उसको इस बात की नॉलेज नहीं थी और उसने उस कैफे की तलाश कर ली या उसे ढूंढ ली। और हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है फ्रेंड्स, एट लास्ट आई फाउंड अ ट्रिक फॉर ट्रांसलेशन हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, आखिरकार मैंने हिंदी वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, मैंने एक ट्रिक तलाश कर लिया या ढूंढ लिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ वर्ड फाउंड का यूज हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ हमारे कहने का मतलब है कि मैंने यहाँ कोई चीज को डिस्कवर किया या किसी चीज की तलाश किया। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, मैंने एक ट्रिक का तलाश किया जो हिंदी वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए है। तो फ्रेंड्स, वर्ड फाइंड का यूज तब करते हैं जब हमको कहना हो कि हम कोई ऐसी चीज की तलाश में हैं जिसे हम पहले से नहीं जानते हैं, या हम किसी चीज को पहली बार तलाश किए या ढूंढ निकालें। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको ये सभी वर्ड्स का यूज शानदार तरीके से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलना। फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।